नगर निगम प्रशासन ने शहर को सैनिटाइज करने का अभियान तेज कर दिया है। व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ ही घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। शहरी इलाके में बढ़ रहे कोरोना पर नियंत्रण के लिए नगर निगम शहर के सभी 4 जोन में नाइट कर्फ्यू के दौरान बड़ी मशीनों से सैनिटाइजेशन करा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में फायर विभाग की गाड़ी से सैनिटाइजेशन किया गया। इस दौरान फायर विभाग की दमकल गाड़ी में सोडियम हाइपोक्लोराइड से जिला अधिकारी कार्यालय, एसएसपी ऑफिस, कोविड-19 कमांड सेंटर सहित सभी कार्यालयों और सड़कों को सैनिटाइज किया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि शहर के सभी 70 वार्डों में लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही जिन गली मोहल्लों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वहां भी सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के लिए नगर निगम की छोटी बड़ी गाड़ियों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फायर विभाग के हेड कांस्टेबल पारसनाथ यादव व नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, पारसनाथ यादव। हम लोग को नगर निगम से NDM महोदय कार्यालय और SSP महोदय कार्यालय पर छिड़काव के लिए दवा मिली थी। हम लोग फायर सर्विस की गाड़ी से छिड़काव यहाँ किया जा रहा है और हमारी यूनिटें 4-5 यूनिटें बाहर निकली हैं, जगह जगह पर उनको भी दवा मिली है, वो जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है। जैसा कि आपके भी संज्ञान में है, कोरोना नाम की महामारी से पूरा विश्व परेशान है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो इस वक्त जो सेकेंड लहर चल रही है कोरोना की, और उस लहर में जो संक्रमण की दर बहुत ही तेज है, उस संक्रमण की दर को थामने के लिए, उसको रोकने के लिए पूरे जनपद गोरखपुर में बड़े व्यापक महाअभियान के रूप में हम लोग जो है सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है बड़ी संख्या में वाहन लगाए हैं जिसमें पंप लगाकर उनके माध्यम सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो हमारे जलकल विभाग के हैं टैंकर हैं पानी के, उनको भी हमने लिया है, जेटिंग मशीन भी लिया है और उसमें भी पंप लगाकर उससे हम सैनिटाइज कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड गाड़ियों का भी हम सहयोग ले रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पे हम कुछ मार्केट से किराए की गाड़ियां भी ले रहे हैं और उन गाड़ियों में पंप लगाकर हम पूरे शहर को जितने हमारे 70 वार्ड में हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके माध्यम से उसको कवर करें। इसके साथ साथ हम लोग जो डेली शाम को हमारे पास रिपोर्ट आती है कि जनपद में किस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या ज़्यादा है, उनकी संख्या के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर बड़े पैमाने पर और कहाँ पर कम स्तर पर अभियान चलाया जाना है। जैसे कि हम लोग जहाँ जहाँ बहुत बड़ी संख्या है वहाँ पर जेटिंग मशीन, फायर ब्रिगेड, जलकल के टैंकर्स,
अपने ट्रैक्टर पे हमने सारी जो मशीनें लगा रखी उनको लगवा के हम लोग भिजवा कर सैनिटाइज करा रहे हैं। आज भी मॉर्निंग में हम लोगों ने पूरे मेडिकल कॉलेज में बहुत ही विस्तृत तरीके से महाअभियान के रूप में चलाया, और जिसमें कि प्रिंसिपल साहब भी मौजूद थे, उनकी पूरी टीम मौजूद थी और हमारे सारे अफसर मौजूद थे। तो निश्चित रूप से प्रिंसिपल साहब के अनुसार भी इसके हम संक्रमण की दर को, जो उसकी स्पीड है, उसको कम करने में सफल होंगे। इसके साथ हम लोगों ने कल रात में भी इधर जो हम नाइट में भी तीन शिफ्ट में हम काम कर रहे हैं, एक सुबह के टाइम, दोपहर में और एक रात में। कल रात्रि में भी हम लोग जो गोरखनाथ मंदिर के आमने सामने और उस वाला जो पूरा एरिया हम लोगों ने खुद जाकर उसको कवर किया और वहाँ पे सैनिटाइज कराया। और इसके साथ साथ जो हमारी गाड़ियों के साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे स्वच्छता के जो सिपाही हैं, हमारे सिपाही कर्मी हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ये लोग जो हैं अपने जो डोर टू डोर जाकर जो सैनिटाइज का काम वो लोग भी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जो मैजिक गाड़ियाँ हैं उन पर भी हम पंप लगा के सैनिटाइज कर रहे हैं। तो ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक कि हम इस कोरोना नाम की इस बीमारी को उसको मतलब थामने में सफल नहीं हो जाते हैं।